हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है यहाँ पे आपके लिए दो प्रश्न लिए हैं इसका आपको प्रतिशत निकाल के बताएंगे कि आप किसी भी संख्या का प्रतिशत किस प्रकार से निकाल सकते हैं चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने पहला प्रश्न है सात सौ का अट्ठारह प्रतिशत कितना होगा यानी कि आपको निकालना है कि सात सौ का अठारह प्रतिशत देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप कैसे निकाल सकते हैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है सात सौ तो यहाँ पर लिखेंगे सात सौ का के स्थान पे गुणा का चिन्ह देंगे यहाँ पर लिखा है अट्ठारह प्रतिशत यहाँ लिखेंगे अट्ठारह प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए बस आप याद रखिएगा कि इसके बटा में आप सौ लिख लेंगे अब इसको आप हल कीजिए देखिए एक जीरो से एक जीरो टेगा एक जीरो से एक जीरो कटेगा सात का अठारह में गुड़ा करेंगे तो अठारह सात एक सौ छब्बीस तो फ्रेंड्स ये आपका क्या आया एक सौ छब्बीस यानी सात सौ का अट्ठारह प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका एक सौ छब्बीस होगा फ्रेंड्स ये तो था आपका सिंपल यानी प्रतिशत मतलब सात सौ का अट्ठारह प्रतिशत सिंपल था फ्रेंड्स जो आपका जो अगला प्रश्न है कि पाँच हज़ार का दो सही एक बटे पाँच प्रतिशत कितना होगा इसको आपको निकालना है देखिए फ्रेंड्स जब भी आपको ये जैसे लिखा लिखा है कि दो से एक बटा के पाँच तो ये आपको क्या है एक मिश्र भिन्न है मिश्र भिन्न है तो इसको क्या करेंगे आप एक साधारण भिन्न के रूप में पहले चेंज करेंगे चेंज देखिए किस प्रकार करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है दो सही एक बटक के पाँच प्रतिशत इसको आप एक सिंपल भिन्न के रूप में चेंज कीजिए देखिए सिंपल भिन्न कैसे चेंज करेंगे देखिए पाँच का इसमें दो में गुड़ा करेंगे देखिए पाँच का दो में करेंगे पाँच दुना के दस और इसके अंश में जो लिखा होता है उसको जोड़ देते हैं तो देखिए पाँच दुना के दस दस ग्यारह यानी ग्यारह बटा के पाँच प्रतिशत का चिन्ह रहता है प्रतिशत का यानी कि आपका हो गया कि पाँच हज़ार का ग्यारह बटा के पाँच प्रतिशत कितना होगा तो यहाँ पर देखिए अब इसका निकालना है कैसे निकालेंगे यहाँ पर लिखेंगे पाँच हज़ार का के स्थान पर गुड़ा का चिन्ह ग्यारह है तो ग्यारह बटा के पाँच है तो ग्यारह बटा के पाँच लिखेंगे प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए अभी आपको बताएं कि इसके नीचे आप सौ सिर्फ बढ़ा लेंगे देखिए अब इसको हल्की देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा एक जीरो से एक जीरो कटेगा देखिए पाँच से कटाएंगे तो पाँच के पाँच दस अब क्या करेंगे दस का ग्यारह में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक सौ दस यानी कि आपका आंसर कितना आया फ्रेंड्स देखिए आपका कि पाँच हज़ार का दो से ही एक बटेगा पाँच प्रतिशत कितना हुआ एक सौ दस हुआ तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का आसानी पूर्वक प्रतिशत निकाल सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें